आंसुओं का बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया जाता है। ध्यान रखना, भगवान को आंखें नहीं देखती, भगवान को आंसू देखते हैं। जिस दिन आपकी आंख के आंसू सूख गए, उस दिन शायद आप भगवान को नहीं देख पाए। और जिसने आंसू बचा लिए, क्या आंसू भी चीज है। शास्त्र में तो खूब लिखा है आंसुओं के ऊपर। एक आंसू होते हैं जो आते हैं और एक आंसू होते हैं जो लाए जाते हैं, देख लिया। और आंसू से दोनों तरह के काम हो जाते हैं। आंसू के कितने उपयोग हुए हैं संसार में आप आश्चर्य करेंगे। प्रेम प्रदर्शन के लिए आंसू, वो तो होता ही है, भाव प्रदर्शन के लिए आंसू, और एक अपना काम निकालने के लिए भी आंसू। बच्चों को, माताओं बहनों को भी ये कला बहुत आती है। पता नहीं कुछ लोगों के तो आंसू ऐसे निकलते हैं जैसे कोई उनके पास स्विच है, दबाया नहीं कि टप गए और काम हो गया तो फिर गायब हो गए। हो, आंसुओं की कीमत तो कई बैठे होंगे जिन्होंने चुकाई होगी भैया। कईयों को तो ऐसे निकलते हैं कि बिल्कुल आपने कोई चीज मना करी, टप के, अच्छा भैया चल करो। आंसू हथियार बन गए और इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। लेकिन भक्ति के जगत में आंसू का मतलब हृदय को धोने के लिए जल। अगर आप किसी प्रसंग से परमात्मा की बात सुन के, परमात्मा का भजन सुन के, परमात्मा का दर्शन करके, थोड़ा सा भी भावुक प्रसंग सुन के आपके नेत्र यदि सजल न हुए तो आप भगवान नहीं देख पाएंगे। इसलिए आंसू का भी अपना एक महत्व हो जाता है। तो कुल मिला के आंसू का मतलब आपका हृदय शीतल होना चाहिए।